हॉलीवुड की पंगा गर्ल कंगना रनौत इन दिनों अपने प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म टीकू वेड से शेरू को लेकर काफी चर्चा में है। अब इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया जा चुका है, जिसमें 49 साल के नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ 21 साल की एक्ट्रेस अवनीत कौर की जोड़ी बनाई गई है। लेकिन ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स ने नवाजुद्दीन को फटकार लगाना शुरू कर दी है। क्यों, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता और आप देख रहे हैं जेबीटी एंटरटेनमेंट चैनल। आपको बता दें कि जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था तो इस ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, लेकिन ट्रेलर में दिखाया गया एक सीन लोगों की आंखों में खटक गया। दरअसल टीकू वेड से शेरू के ट्रेलर में दिखाया गया है कि 21 साल की अवनीत कौर खुद से उम्र में काफी बड़े नवाजुद्दीन सिद्दीकी को किस करती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते अब ये ट्रोलर्स के निशाने पर आ गया। इस फिल्म के ट्रेलर से अवनीत और नवाज के किस वाले सीन की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो एक दूसरे को किस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया यूजर्स अवनीत और नवाज के एज गैप को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। दोनों के बीच करीब 27 साल का उम्र का फासला है। ऐसे में दोनों का लिप लॉक लोगों को हजम नहीं हो रहा है। नवाजुद्दीन के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स ने कंगना रनौत को भी आड़े हाथों ले लिया। एक यूजर ने कमेंट करके लिखा है कि आजकल कुछ भी हो रहा है, अवनीत कौर किस कर रही हैं नवाज भाई को। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि अवनीत कौर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दृश्य भयानक है, कंगना फिल्म की निर्माता है, क्यों कोई भी व्यक्ति अपने समझदार दिमाग से उस फिल्म के दृश्य को आगे बढ़ने देगा। उम्र का फासला 28 साल है, उसके बाप की उम्र का है वो। सिर्फ यही नहीं, एक यूजर का कहना है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी अवनीत के पिता के उम्र के समान है, एक्टिंग के नाम पर कुछ भी मत दिखाओ। वेल, इस पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जेबीटी एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। नमस्कार।